वास्तुशास्त्र से संबंधित हर एक बात हम आपके साथ बांटते आए हैं। ये बातें काफी उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो आज का पहला ज्ञान है कि पैसों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर रोज अपने घर में दालचीनी को जलाकर उसका धुआं चारों ओर फैला दें। जी हाँ, दालचीनी की खुशबू आपके घर में पैसों की बरसात करवा सकती है। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात, आपको कभी भी जाते हुए पैसे मिले तो उन पैसों को उठाने में जरा भी शर्म मत कीजिए, क्योंकि पैसा मिलना बहुत बड़ा शगुन माना जाता है। वही पैसे आपके घर में और पैसे लाएंगे। तो आज की इन दोनों बातों को ध्यान से याद रखें। हम वापस मिलेंगे कल कुछ और नए टोटकों के साथ। ये दालचीनी के जलने की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे वो दालचीनी मैंने थोड़ी देर पहले ही जलाई है। आज ना मैंने वो बाबा ज्योतिष आचार्य है ना, उनके शो में देखा था। वो कह रहे थे कि घर पे अगर दालचीनी जलाकर उसका धुआं चारों ओर घर में फैलाया जाए तो उससे पैसे आकर्षित होते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे हमें फर्क पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पड़ता है तो हमारा नुकसान थोड़ी ना है। नहीं पड़ता है मतलब? क्यों नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। तुम यकीन नहीं करोगे तो कैसे होगा? नहीं 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 नहीं, मैं यकीन करता हूँ। आई बिलीव यू, जरूर फर्क पड़ेगा। आशीष, एज, मनीष गोल, सोना सदा के लिए। आशीष जी मेरा फेवरेट एड है, देखो ना। बहुत अच्छा एड, देखा है मैंने बहुत बार। काश हम भी थोड़े गोल ले पाते, है ना आशीष? सुना ली, 40,000 की पगार है मेरी महीने की, और तुम जानती हो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब यू नो वी कांट अफोर्ड इट, यू नो इट। आशीष ऐसे मत सोचो, तुम देखना हमारे पास भी बहुत पैसे आएंगे, और ये जितने मैंने नकली अंगूठियां पहनी है ना, सब हम गोल के अंगूठियां खरीदेंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। सोने का अंगूठी, आशीष चौधरी से हो रही है? जी हाँ, मैं आशीष बोल रहा हूँ। आशीष जी, मैं आपकी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। जी कहिए। कांग्रेचुलेशन सर, पिछले महीने जो आपने डबल सेलिंग की थी उसके लिए कंपनी ने एक सरप्राइज इंसेंटिव रखा था जो आपको मिला है। अच्छा, कितने का इंसेंटिव है? 20,000 रुपए का। 20,000? सर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, पर जब आपको पैसे मिल जाएंगे तब कंपनी के मेल आईडी पे एक मेल कर देना। जी जी जरूर। ये पैसे कब तक ट्रांसफर हो जाएंगे? सर पैसे आज ही ट्रांसफर हो जाएंगे। ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
आशीष छोड़ो मुझे, उफ देखो तो पसीना से लथपथ हूं मैं। नहीं तो चलो ना शार ले लेंगे। जी आशीष। क्या हुआ? क्या पूछ रही थी मैं, क्यों इतना खुश लग रहे हो तुम? स्वीटहार्ट जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना अपने आप खुश हो जाता हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुम कुछ कह रही थी ना वो मनीष ज्वेलर, अगर अगर मनीष राइट, तो अगर तुम्हें उसके यहाँ से कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट लेना हो तो क्या लोगे? क्यों तुम मुझे गिफ्ट करने वाले हो? अरे नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, फर्ज करो कि अगर तुम्हें लेना हो तो। अगर मुझे गोल्ड लेना हुआ ना, मेरा ना बहुत मन है एक ब्रेसलेट लेने का। आशीष जब हमारे पास थोड़े सेविंग्स होंगे ना, मतलब अच्छे हमारे पास पैसे आएंगे ना, तब प्लीज हाँ मैं एक ब्रेसलेट लूंगी। ओके ठीक है ब्रेसलेट लेंगे। अचानक से तुमने मुझे गोल्ड के बारे में क्यों पूछा? अरे ऐसे ही पूछा, क्या है ना मैं चाहता हूँ कि हम शार लेने चले। बहुत प्यारी हो तुम। खाना बनाओ भूख लग रही है मुझे। हाँ हेल्प करूं? नहीं ठीक है मैं फ्रेश हो गया तो। बीस हजार में से 5,000 मेकिंग, 15,000 का गोल्ड, ठीक है ब्रेसलेट सब। क्या छुपाया तुमने वहाँ? हाँ क्या छुपाया वहाँ? कुछ नहीं अच्छा था वहाँ पे, मैंने क्या छुपाया, डायरी है। अच्छा हाँ? मैंने खुद देखा है तुमने कुछ छुपाया है। और तुम क्यों हड़बड़ा रहे थे? मैं कहाँ हड़बड़ा रहा था, मैंने तो बस डायरी यहाँ रखी, पेन यहाँ रखी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। क्या है वहाँ दिखाओ, दिखाओ क्या छुपा है तुमने मुझे वहाँ? कुछ नहीं है स्वीट हार्ट, कुछ भी नहीं है, मच्छर था मैंने ऐसे मारा। मुझे पता है तुमने कुछ छुपाया है, नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। हाँ छुपाया है मैंने। क्या छुपाया? इधर आओ बताता हूँ। बताओ क्या छुपाया? आओ अपने प्यार को छुपाया है तुमसे। सच में कुछ नहीं छुपाया ना? कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस? पर रोज तो तुम 10 बजे जाते हो, आज 9 बजे, 1 घंटा पहले। अब वो ऑफिस पे काम थोड़ा ज्यादा है इसीलिए, शाम को मिलते हैं। बाय।
धीरे धीरे पत्नी को अपने पति पे शक होने लगता है, कहीं उसके पति का चक्कर ऑफिस वाले के साथ तो नहीं, क्योंकि उसका पति टाइम से पहले ऑफिस के लिए निकल जाता है और लेट घर लौटता है। लेट क्यों हो गए? क्या हो गया? तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अच्छा, तो मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। सुबह एक घंटा पहले तुम जल्दी चले गए, अभी रात को एक घंटा लेट आ रहे हो और कह रहे हो मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? अरे मैं सिर्फ एक घंटा लेट हुआ हूँ, कल नहीं आया हूँ, राई का पहाड़ क्यों बना रही हो? देखो आशीष, बस बहुत हो गया। तुम्हें अच्छे से पता है ना मुझे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद। बताओ क्या चल रहा है? तुम मुझ पे शक कर रही हो? मैं पूछ रहा हूं तुमसे कुछ, तुम मुझ पे शक कर रही हो? देखो मुझे नहीं पता, मुझे बस लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें जो सोचना है सोचो। अच्छा, तो तुम्हें भी जो समझना है तुम समझो। ऐसे भी तुमने मेरा मूड ऑफ कर दिया, खाना नहीं खा रहा हूं मैं। हटो। ज्यादा तो नहीं बोलती? सच में? मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपको। वैसे एक बात बताओ, मैं जब तुम्हें कुछ पूछती हूँ तुम जवाब क्यों नहीं देते? अरे मैं क्या जवाब दूँ जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? कमाल करती हो तुम भी। पक्का कुछ नहीं किया? अरे कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। चलो अब तुमने सॉरी बोल दिया तो आपको जाने देते हैं। वाह, बड़ी भूख लग रही थी। इवन आई एम सॉरी, मैंने जिस तरीके से बिहेव किया। तुम भी खाओ, खाओ खाओ, अच्छी बनाई है दाल। हम ना जल्दी खाना खा के सो जाएंगे, मुझे कल सुबह जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। कल तो छुट्टी है ना? हाँ लेकिन मुझे जरूरी काम है।
खाओ, दाल बहुत अच्छी बनाई है तुमने। खाओ खाओ। कैसे घुमा सकता हूं मैं? हेलो, हाँ सोनाली, कहाँ हो तुम? मैं घर आ गया हूँ। अच्छा तुम आ गए, मैं आ ही रही हूँ। सोनाली मैं तुमसे कुछ, अरे हाँ घर आके सब बताती हूँ ना, चलो बाय। हेलो हेलो सोनाली, thank you.
आशीष 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 आशीष, मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। जय माता दी। सोनाली मुझे तुमसे कुछ बात। आशीष पहले मेरी बात सुनो, मुझे बात करनी है। आशीष प्लीज चुप, मेरी बात सुनो। ये देखो देखो आशीष, 20,000 है, पूरे 20,000। हाँ आशीष देखो ना, वो क्या हुआ ना, आज जब सुबह मैं बाहर गई थी ना, तो मुझे ये रास्ते में ना गिरे हुए मिले, और मैं शाम तक इंतजार कर रही थी कि जिसके भी ये पैसे वापस आएगा और ले जाएगा, पर कोई आया ही नहीं शाम तक। और मैं इंतजार करते करते फिर मैं सोची घर ही चली आती। वो जो ज्योतिष आचार्य जी ने भी कहा था ना कि अगर रास्ते में या कहीं भी पैसे गिरे हुए मिले तो झट से उठा लेना चाहिए। पर गॉड प्रॉमिस, मैं फिर भी शाम तक रुकी कि जिसके भी पैसे है वापस ले जाएंगे, पर कोई आया ही नहीं आशीष, और इसीलिए ये पैसे मैं घर ले आई। सोचो सोचो हम इस पैसे से कितना कुछ कर सकते हैं। क्या करूंगी मैं? हाँ, सबसे पहले मैं फ्रिज नया ही खरीद लेंगे, ये अच्छा होगा। कुछ बोलने वाले थे ना, बोलो ना, क्या बात है, क्या बताने वाले थे तुम? क्या हुआ? सीन कट गया, मजा खराब। इस सीन को पूरा देखना चाहते हो तो डाउनलोड उल्लू और सब्सक्राइब करें, जस्ट क्लिक एंड वॉच।